Well, someone has 100 sixes now, and no surprise, it's Chris Gayle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, आज दिल्ली की हार ने पूरे आईपीएल की सभी टीमों का गणित एक बार फिर से खोल दिया है कि कोई भी टीम प्ले ग्रुप में पहुंच सकती है। अभी जो स्थिति है अंक तालिका में, मुंबई 18 अंक हो गए आज की जीत के साथ में, और ये दिल्ली की आज लगातार चौथी हार थी। तो बेंगलोर दूसरे स्थान पर आ गई है, दिल्ली तीसरे स्थान पर, और लगातार चौथी हार के बाद तीसरे स्थान से और अब कई टीमों के लिए 14 अंक लेकर के दिल्ली का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पंजाब का एक मैच बाकी है और पंजाब की मैच भी वो जीत लेगी तो वो उसके भी 14 अंक हो जाएंगे। राजस्थान के 12 अंक हैं और राजस्थान मैच जीत लेती उसके भी 14 अंक हो जाएंगे, और कोलकाता जीत गई तो उसके भी 12 अंक हैं, अभी उसके भी 14 अंक हो जाएंगे। और हैदराबाद के अभी 2 मैच बाकी हैं, और अगर दोनों मैच हैदराबाद जीत लेती है तो उसके भी 14 अंक होने की संभावना है। तो इन टीमों में से कोई भी ऊपर जा सकती है। तो दिल्ली का बचा हुआ एक मैच है अभी, और अगर वो मैच हार जाती है तो दिल्ली प्ले ग्रुप से बाहर भी हो सकती है। तो अभी तक आईपीएल के अंतिम दौर के मैच चल रहे हैं, लेकिन अभी तक ये डिसीजन नहीं हो पाया कि कौन सी टीमें प्ले ग्रुप में खेलेंगी। अभी तक रोमांच बना हुआ है, सिर्फ चेन्नई की टीम को हम कह सकते हैं उनको अब कोई मौका नहीं बचा है, क्योंकि चेन्नई के एक मैच बाकी है और मात्र 10 अंक है अभी। अगर वो अंतिम मैच जीत भी लेती है तो भी उनके 12 ही अंक होंगे, 12 अंक में प्ले ग्रुप में पहुंचने का कहीं कोई मौका नहीं है। तो अगर मैं कहूं कि कौन सी टीम जो निचले स्तर की है, राजस्थान, हैदराबाद और कोलकाता, पंजाब, इनमें से कौन सी टीम प्ले ग्रुप में इंट्री सबसे ज़्यादा संभावना है कि एंट्री उनको मिल सकती है, तो मुंबई तो फाइनल है लगभग 18 अंक के साथ। बेंगलोर का एक मैच बाकी है, और अगर बेंगलोर वो मैच जीत लेती है तो बेंगलोर के 16 अंक हो जाएंगे, और बेंगलोर का आज ही है वो मैच हैदराबाद के साथ में। और अगर आज बेंगलोर हार जाती है तो एक मौका और रहेगा, क्योंकि एक मैच और रहेगा इसके बाद में बेंगलोर का, हैदराबाद के 2 मैच हैं। तो आज बेंगलोर हार जाएगी तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको एक मौका और मिलेगा, तो उसके 16 अंक हो सकते हैं। 2 मैच में से एक भी जीत लिया तो हैदराबाद को दोनों जीतने होंगे तभी उनके जो है 16 अंक हो पाएंगे, माफ़ कीजिएगा 14 अंक हो पाएंगे, तब उसकी संभावना बनी रहेगी। अगर आज हैदराबाद हार जाती है तो शायद हैदराबाद की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 10 अंक है अभी और बाकी का एक मैच जो बचा है, अगर वो मैच जीत लेगी तो भी 12 ही अंक होंगे। तो आज एक टीम तो फाइनल, चेन्नई तो बाहर हो चुकी है, और आज एक टीम और बाहर होने वाली है, वो कोई अगर हैदराबाद हार जाती है तो बेंगलोर की संभावनाएं बनी रहेंगी। दिल्ली की चौथी हार आज हो चुकी है, और दिल्ली के लिए एक मौका और है सुरक्षित अपने खुद को बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक 14 अंक हैं और अंतिम मैच जीत करके वो 16 अंक लेकर के सुरक्षित अपने आप को बना सकती है। पंजाब के लिए मौका है 14 अंक लेकर के, वो भी एंट्री कर सकती है। कल का मैच जो पंजाब हारी है वो पंजाब के लिए बड़ा ही यूँ कहें कि बहुत दुर्भाग्य रहा, क्रिस गेल ने 99 रन बनाए फिर भी मैच हार गए, तो वो अंतिम ओवरों में जो कम रन बनाए थे पंजाब ने, वही खामियाजा पंजाब को कल भुगतना पड़ा। तो पंजाब के अभी तक 12 अंक हैं। राजस्थान भी दौड़ में है, अभी 13 मैच अभी तक खेले हैं, 6 जीत 7 हार के साथ 12 अंक हैं। अगर अंतिम मैच राजस्थान जीते उसके भी 14 अंक हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं संभावनाएँ राजस्थान की भी हैं। तो स्थिति यह अभी तक स्पष्ट नहीं है, सिर्फ एक ही टीम है जो मुंबई, जो लग रहा है कि मुंबई 18 अंक लेकर के शीर्ष पर है और वही फाइनल हुई है, और बाकी चेन्नई बाहर हुई है। बाकी अभी तक जो 6 टीमें हैं उनमें से कौन सी टीमें खेलेंगी अभी तक ये डिसीजन नहीं हो पाया। तो आज अभी दूसरा मैच अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला, खेला जाएगा बेंगलोर हैदराबाद के बीच में। पहला मैच समाप्त हो चुका है मुंबई और दिल्ली के बीच में, दिल्ली को आज हार का सामना करना पड़ा। हार भी ऐसी कि दिल्ली की सारी टीम मतलब कोई भी खिलाड़ी आज टिक कर नहीं खेल सका। पृथ्वी शो आज एक बार फिर से फेल हो गए, 10 रन बना के आउट हो गए थे, और शिखर धवन जो मैन स्कोरर रहे थे कई मैचों में पिछले मैच की तरह, फिर से आज उनको 0 पर आउट होकर के वापस जाना पड़ा। तो दिल्ली के लिए दुर्भाग्य कि उनके जो मेन स्ट्राइकर बल्लेबाज हैं अंतिम दौर में आईपीएल में, वो फॉर्म से बाहर हो चुके हैं, तो दिल्ली के लिए कहीं ना कहीं ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में केएल राहुल बहुत आगे हैं सबसे, 641 रन बनाकर शीर्ष पर हैं, और शिखर धवन 471 रन, और डेविड वार्नर
जडेजा तीसरे नंबर पर 436 और कोहली चौथे नंबर पर 424। विकेटों के मामले में रवाड़ा 23 विकेट लेकर सबसे ऊपर बने हुए, बुमराह 20 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर, मोहम्मद शामी 20 विकेट लेकर तीसरे स्थान पर और जोफ्रा आर्चर 19 विकेट लेकर चौथे स्थान पर है। छक्कों के मामले में हम बात करें तो संजू सिमन सबसे ऊपर हैं, 26 छक्के अभी तक लगा चुके हैं। निकोलस पूरन दूसरे स्थान पर 25 छक्के। गेल बहुत बाद में आए थे और 5-6 ही मैच खेले हैं अभी तक और उनके अभी 23 छक्के हो चुके हैं, क्योंकि 8 छक्के तो गेल ने कल ही मार दिए थे और कल दुर्भाग्य रहा कि वो शतक से चूक गए। केएल राहुल 20 छक्कों के साथ चौथे स्थान पर हैं। तो इस तरह से अभी तक आईपीएल में जो टीमें खेलेंगी प्ले ग्रुप में उनका डिसीजन मुझे नहीं लगता कि 3 तारीख से पहले हो पाएगा। तो 3 तारीख का हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो 3 तारीख के बाद में ही ये अंतिम मैच होंगे, तभी फैसला होगा कि कौन सी टीम आईपीएल में खेलेंगे। लेकिन ये निश्चित है कि 2 टीमें 14 अंक वाली जाएंगी और रन रेट जिसका अच्छा होगा वो ही एंट्री मार पाएंगे। जैसे बेंगलोर के 14 अंक हैं, दिल्ली के 14 हैं, पंजाब के 14 हो सकते हैं, राजस्थान के 14 हो सकते हैं, कोलकाता हैदराबाद के भी 14 अंक हो सकते हैं। तो अगर ये 14-14 अंक हुए इन टीमों के तो ये रन रेट के हिसाब से ही प्ले ग्रुप में जाएंगे। तो अभी मुंबई और दिल्ली का मैच खत्म हुआ है, बेंगलोर और हैदराबाद का मैच बस शुरू होने वाला है। देखते रहिएगा आईपीएल के अपडेट के साथ, मैं रोजाना आता रहूँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। And no surprise, it's Chris Gayle.